खाली चाय। जो माननीय बाबूलाल जी ने कहा और जो पार्टी संकल्प यात्रा में है, इसका उद्देश्य क्या है? आखिर इस गर्मी में अभी तो कोई चुनाव है नहीं, विधानसभा का चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव भी अभी 7-8 महीने लेट, जनता इतनी ऊब गई है, इतनी परेशान हो गई भ्रष्टाचार में। आप ही बताइए ना, गोड्डा में एक काम बता दीजिए कि पिछले 4 साल से यहाँ के तो विधायक हैं ना माननीय मुख्यमंत्री जी, तो यहाँ से इस जिले से विधायक, एक काम बता दीजिए सिग्निफिकेंट जो कि कहा जा सकता है कि ये राज्य सरकार ने गोड्डा में कर दिया। जब हमारी सरकार थी, चाहे वो बाबूलाल जी की सरकार हो, चाहे अर्जुन मुंडा जी की सरकार हो, चाहे रघुवर दास जी की सरकार हो, मैं तीनों सरकार का आपको हिस्सा गिना सकता हूँ कि हमने गोड्डा के लिए क्या किया। पिछले 4 साल से ये सरकार चल रही है, एक योजना बता दीजिए कि ये किया गया। इवन पहाड़िया के लिए भी पानी की व्यवस्था नहीं की है अपने विधानसभा में, सुंदर पहाड़ी जो वहाँ मदर चाइल्ड हॉस्पिटल गया था, जरा उसका स्थिति जाकर देखिए। वो हॉस्पिटल में जो है गाय बंदी, जो ITI केंद्र सरकार ने बनाया उसका जाके देखिए, उसका सारा जो दीवाल है वो जीर्ण शीर्ण होकर जो है गिर गया। तो जब जो अपनी विधानसभा नहीं संभाल सकता, आप गोड्डा से यदि सुंदर पहाड़ी रोड की बात करें तो इतने गड्ढे हैं कि आप उसमें नहीं जा सकते। तो इससे ज़्यादा बड़ा जो है, आपने देखा है सैनिक स्कूल चला गया, गोड्डा का आया हुआ सैनिक स्कूल चला गया, आज तो सोशल मीडिया पर मैंने दोनों चिट्ठी देखी। तो जब गोड्डा की ये स्थिति हो सकती है तो राज्य की क्या है? मैं इतना ही आपको कह सकता हूँ कि जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है वो पूरा होगा और सोरेन परिवार सलाखों के पीछे होगा।